नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल लाखल। किसान मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दो टॉपिक यहां पर रहेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है लहसुन की आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए, और दूसरा जो टॉपिक है आखिरकार रियाओन सिल्वर जो है वो इसे नीचे नीचे क्यों चलती है, वो कब उसकी हाइट जो है वो लेना शुरू करेगी, और ओरिजिनल रियाओन सिल्वर की पहचान क्या है। तो दोस्तों, यहां से आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सवाल से। तो किसान मित्रों, सवाल का जो जवाब है मैं हर इंडिविजुअल किसान से चाहूँगा कि वो किस अपना जो उत्तर है वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अगर हमारी खेत के अंदर कोई लहसुन है उसकी हाइट कमर के बराबर आ रही है और पौधे की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा उसका तना उसका जो कंद है वो ज़्यादा बड़ा निकलेगा, या फिर ऐसा लहसुन जिसकी हाइट कम है तना मोटा है उसका कंद बड़ा निकलेगा, इस सवाल का जवाब जो है आप ज़रूर देवे। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं, वीडियो पर आते हैं। तो किसान मित्रों, इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव है कि आखिरकार लहसुन की आइडियल हाइट या एक बेस्ट हाइट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो न लहसुन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न लहसुन आपका जो है बहुत ज़्यादा बोना या छोटा होना चाहिए। दोस्तों, आइडियल लहसुन की बात हम करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं उसका हम देखते हैं। काफ़ी सारे किसान मित्र घबराते हैं यार कि भैया हमारी लहसुन की हाइट ही नहीं बढ़ रही है यार, हाइट कब बढ़ेगी। तो दोस्तों, बात यह है कि लहसुन की आइडियल हाइट अगर हम देखते हैं तो जो हमारा पौधा जो होता है लहसुन का, उसमें आप देखते हैं ऐसे पत्ते निकलते हैं। एक पत्ता इधर है तो उसके जरा सा ऊपर में एक अलग पत्ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ऐसा पत्ता निकलता है। मतलब इसको इंटरनोड्स कहते हैं, मतलब पत्ते से पत्ते के बीच की जो दूरी है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। दोस्तों, अगर आप आइडियल हाइट की बात करें तो पत्ते से पत्ते के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कम होनी चाहिए, वो शॉर्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ना कि ऐसा है कि बिल्कुल मैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं एक पत्तियाँ हैं तो एक बहुत कम से कम 3 इंच ऊपर चल के 4 इंच ऊपर चल के एक नई पत्ती आ रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। हमेशा पत्तों से पत्तों के बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, और होता क्या है कि पत्तों से पत्तों के बीच की दूरी अगर कम होती है तो हमने देखा होगा पौधे का जो तना है वो मोटा होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर दोस्तों आपके पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, हाइट लहसुन की हाइट आइडियल हाइट से ज़्यादा हो जाती है, तो होता क्या है कि लहसुन में जो है अपनी पूरी जो उम्र है वो केवल उस तने को पोषित करने में निकाल देता है और नीचे कंद नहीं बन पाता। दोस्तों, अगर ये सेम समस्या आपके यहाँ पर आई है कभी, और अगर आपने फेस करी है और आपने इस चीज़ को अनुभव किया है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो हमेशा कोशिश करें कि लहसुन के अंदर, मैंने बहुत बार बोला है कि जब हम नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारे लहसुन की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। आपको याद हो तो मैंने कुछ समय पहले मैंने बोला था कि यूरिया का प्रयोग आप जितना कम से कम कर पाए उतना आप करिए, उस समय पर हमें वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी ग्रोथ स्लो है तो हम करते ही हैं इन जनरल, और हम जितने भी खाद डाल रहे हैं मैक्सिमम उसमें यूरिया नाइट्रोजन होता ही है, किसी न किसी फॉर्म में होता ही है, तो वो उसको मिल जाता है। पर बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं एक बीघे का एक बोरी यूरिया डाल दिया, अब उन्हीं के यहाँ पर आपको जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखेगी, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ गई है तो अब उनका तना जो है वो लंबा हो गया है, तो अब वो जो लहसुन है वो अपनी पूरी उम्र उस तने को पोषित करने में निकाल देगी और कंद का साइज जो रह जाएगा वो छोटा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लहसुन के अंदर आपको जो हाइट जो शॉर्ट जो पत्ते से पत्ते के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम रहनी चाहिए और हाइट जो है वो छोटी रहनी चाहिए। पौधा भले इतना बड़ा रहे समस्या नहीं है, पर तना जो है वो मोटा होना चाहिए। सेम अगर आप प्याज में जाकर देखेंगे, अगर किसान मित्रों प्याज की हाइट बड़ी हो जाती है तो कंद छोटा निकलता है, गुलटी निकलता है। अगर प्याज की हाइट छोटी रहती है और तना मोटा रहता है तो आपने देखा ही होगा प्याज कैसा निकलता है, तो सेम चीज़ है। अब बात करते हैं किसान मित्रों रियावन की। तो रियावन में देखा जाए तो किसान मित्रों लगभग 70 दिनों तक जो लहसुन है वो नीचे नीचे ही चलती है और उसके जो पत्ते हैं वो उठ क्यों नहीं पाते ज़मीन से, क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना उनके वो आकार बहुत बड़ा होता है। आकार जब बड़ा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम 20 फीट की जो पाइप है उसको हम उठाने की कोशिश करते हैं तो आगे से उठाते तो पीछे ज़मीन पर टच हो जाता, पीछे से उठाते तो आगे ज़मीन पर टच हो जाता, मतलब लंबाई के कारण वो प्रॉपर तरीके से हमें कंधे पर नहीं रख पाते। अगर उसके प्लेस पर हम 10 फीट का पाइप अगर रखेंगे तो वो सीधा रह जाएगा। तो सेम समस्या रियाओन सिल्वर के पत्तों के में होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है पत्ते की लंबाई और मोटाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस वजह से पत्ते जो है वो ज़मीन से उठ नहीं पाते। और रियाओन सिल्वर अगर आपने देखा होगा तो अपनी जो हाइट लेना जो शुरुआत करती है वो लगभग 70 से 75 दिनों के बाद ही करती है, उससे पहले तो वो ज़मीन के सहारे धीरे धीरे नीचे ही चलती है और नीचे से कंद बनाकर चलती है। और दोस्तों, रियाओन सिल्वर में मेहनत ज़्यादा लगती है, खाद पानी ज़्यादा लगता है, पर ये हल्के खेतों में नहीं होती, मैंने बहुत बार बोला है। तो ये समस्या काफ़ी सारे किसान मित्र फेस करते हैं कि हाइट ज़्यादा होने के बाद में
जो कंध नहीं बन पाता, तो आप इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, और जो किसान मित्र घबरा रहे थे कि रियान सिल्वर की हाइट नहीं हो रही है, उनके लिए 75 दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली जो आपकी रियान सिल्वर जो है वो हाइट ले लेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें किसान मित्रों, अगर आपकी रियान सिल्वर अगर खड़े पत्ते वाली चल रही है, सारे पत्ते उसके अंदर खड़े हैं, तो समझ लीजिए वो मिक्स बीज है, उसके अंदर कहीं ना कहीं झोल है। रियान सिल्वर हमेशा नीचे ज़मीन पर ही चलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें लगभग 70 दिनों तक। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।